बिहार की नीतीश कैबिनेट का लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को विस्तार हो गया। भारतीय जनता पार्टी के शाहनवाज हुसैन के साथ कुल 17 नेताओं ने मंगलवार को शपथ ली। मंत्री पद की शपथ उन्होंने उर्दू में ली। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में शामिल होकर सबसे युवा मंत्री बनने का रिकॉर्ड बना चुके हैं शाहनवाज हुसैन और साथ ही साथ सरकार के मुस्लिम चेहरे भी रहे हैं। इस बार शाहनवाज हुसैन की बिहार सरकार में ये पहली एंट्री है। ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन आपको पता है कि मौसम इश्क का चल रहा है और ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं शाहनवाज हुसैन की लव लाइफ के बारे में। बीजेपी के दिग्गज नेता शाहनवाज हुसैन उन लोगों में से हैं जिनकी छवि काफी खुले विचारों वाली रही है और उनकी सोच उनके जीवन में भी झलकती है। उन्होंने दिल्ली की एक हिंदू लड़की रेणु से प्रेम विवाह किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें एक दो साल नहीं, पूरे 9 साल तक पापड़ बेलने पड़े थे। साल 1986 में शाहनवाज हुसैन अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान डीटीसी की बसों से सफर किया करते थे। रोज की यात्रा में उनकी निगाह एक लड़की पर पड़ी। पहले ही नजर में उन्हें वो जच गई। शाहनवाज ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि उनकी आंखें बेहद खूबसूरत हैं। बस मैंने उनकी आंखें देखी और खो गया। बहुत कुछ बोलती हैं उनकी आंखें। अगर कहे कि उन्हें देखते ही शाहनवाज उन पर फिदा हो गए तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन जिस पर वो फिदा हुए वो अचानक कहीं खो गई। कुछ दिनों बाद फिर शाहनवाज को वह लड़की दिल्ली की बस में ही मिल गई। इसके बाद शाहनवाज ने लड़की को फॉलो करना शुरू किया। कई बार बस में हुई मुलाकात के बाद एक दिन ऐसा मौका आया कि जब बस में शाहनवाज को तो सीट मिल गई, लेकिन उस लड़की को नहीं मिली, तो उन्होंने उसे अपनी सीट ऑफर कर दी। इसी आपाधापी में शाहनवाज एक दिन रेणु के घर पहुंच गए। इधर उधर की बातों से रेणु के घर वालों से अच्छा रिश्ता बना लिया। इसके बाद वह उनके घर लगातार आने जाने लगे। बातचीत में शाहनवाज पहले से माहिर थे, इसलिए रेणु के घर वालों से भी अच्छी जान पहचान हो गई। लेकिन असल बात बनते नहीं दिख रही थी, तो अंत में शाहनवाज ने ठान लिया कि अब वह रेणु को अपने दिल की बात बता कर रहेंगे। तभी किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई पार्टी हुई, उसमें शाहनवाज हुसैन और रेणु दोनों पहुंचे। वहीं पर बातों ही बातों में शाहनवाज ने अपने दिल की बात रेणु को बता दी, लेकिन उनकी बातें सुनकर रेणु गुस्सा हो गई। दरअसल उस जमाने में दूसरे धर्म में शादी करना टेढ़ी खीर थी। ऊपर से रेणु ने भी शाहनवाज को मना कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उनकी जिद के सामने एक दिन रेणु को भी हाँ करनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद साल 1994 में दोनों की शादी हो गई। एक इंटरव्यू में रेणु ने भी बताया कि शाहनवाज रोज उनका हाथ थामकर उन्हें स्कूल छोड़ने जाते थे। शादी के बाद रेणु की एक गवर्नमेंट स्कूल में जॉब लग गई, जबकि शाहनवाज अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कर रहे थे। ये बताती है कि इनके घर में हिंदू मुस्लिम दोनों कल्चर फॉलो होता है। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट।